तो ये जो है मैं एक पूरा प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ, पूरा की पूरा प्रीवियस प्रश्न है और 25 क्वेश्चन हैं। जिस किसी में दम है वो 25 में से 25 करके कमेंट करके बताएगा एंड में, ठीक है। ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है 22 अगस्त से स्टार्ट है, तो ये एक चैलेंज है। और हाँ, ऐसे कोई कमेंट नहीं करेगा कि मेरे 25 में 25 सही है, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट होगा कि आप लोग मेरी वीडियो से 25 में से 25 क्वेश्चन लाते हैं, 50 नंबर, समझ रहे। आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथियों, आपका कोई यार दोस्त चाहने वाला है, चाहने वाली हो, उसको उस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके हमारी तरफ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई भी इस बार कम नंबर आए या फेल हो, ठीक है। चलिए, सभी लोग साथ में कमेंट भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं, बताइए जल्दी सभी लोग। अनलर्निंग, शिक्षण, ई लर्निंग, कमेंट करिए, या मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, रचित, अभिषेक, ललित, चलो बिल्कुल सही, ई लर्निंग, ठीक है, सी ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है? रोजगार का पूछा है, फेसबुक है, भारत कौशल है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, जो भी हमारे प्यारे ट्रेनी इसका आंसर लगा रहे हैं, बी बी ऑप्शन वाले सभी हमारे प्यारे ट्रेनी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे अधिक प्रदूषण करते हैं, यह आसान करना है, या यह शहर के कर्मचारियों के लिए है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल सही, वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। तो जो भी हमारे ट्रेनी हैं प्यारे, ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुबीर सभी त्यौहार कार्यस्थल पर मनाना चाहता है, इसे पता चलता है कि वह खाली स्थान है। और आप लोगों के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक पूरी कंप्लीट मैराथन लाइव लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही लूँगा जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी कंप्लीट एक मैराथन लूँगा। अगर आप लोग सहमत हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस पर अगर मुझे सपोर्ट अच्छा मिला तो कल ही आप लोगों के लिए शाम को 7 बजे मैराथन क्लास लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? समावेशी, ठीक है, 4 नंबर का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विधि कार्यस्थल खाली स्थान बढ़ाता है, उत्पादकता, कार्यभार, तनाव, स्ट्रेस या टेंशन, क्या बढ़ाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा 5 नंबर का। तो ए ऑप्शन काफ़ी ट्रेनिंग वाली लगा रहे हैं, उत्पादकता, जो भी ट्रेनिंग ए ऑप्शन लगा रहे हैं, ए बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, ठीक है, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार एक ही स्थिति में लोगों के पास खाली स्थान है, समान अधिकार, समान स्थिति, समान अवसर या उपयुक्त सभी, 6 नंबर का कमेंट करेंगे सभी साथी, 6 नंबर का, 6 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। काफ़ी हमारे ट्रेनी ऐसे हैं जो डी आंसर लगा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का सही आंसर माना जाएगा। जो भी हमारे साथी हैं जो डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदभाव किसी व्यक्ति को खाली स्थान एहसास करा सकता है, वीकनेस यानी हम कह सकते हैं कमजोरी होती है, परेशान रहता है, डिस्टर्बड, या फिर विभाज, डिवाइडेड, या उपर्युक्त सभी, करिए कमेंट।
सात नंबर का सी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो वो किसी व्यक्ति का भेदभाव जो होता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाए डिवाइडेड, यानी कि सी आंसर, सी आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, नामकरण शब्दों को खाली स्थान भी कहा जाता है, नाउंस, वर्ब, एक्शन, प्रमोशन, क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो भी हमारे साथी आठ नंबर का ए लगा रहे, नाउन जो होती है कुछ नाउनिक, वो नाम जो होता है नाउन होता है, तो ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, फटाफट कमेंट किया करो आप लोग, ठीक है। चलिए, बिल्लियां खाली स्थान शब्द का उदाहरण है, शब्द बहुवचन, एक वचन या विपरीत, किसका है? नौ नंबर का कमेंट करेंगे। नौ नंबर का काफी लोग बी आंसर लगा रहे हैं, बहुवचन, बी ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी गलत नहीं सही आंसर है, ठीक है, बहुवचन है। तो नाइन का बी ऑप्शन वाले सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन कह रहा है, किसी को करना पसंद उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, क्षमताएं, नौकरी, रुचि या फिर काम। किसी को पसंद करते हैं तो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है ना, रुचि होती है, होती है कि नहीं? तो आप कहें बिल्कुल होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो भी हमारे ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सी, सी वाले बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। एक प्रक्रिया, देखो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर अगर कर दोगे ना तो थोड़ा हमें मोटिवेट मिलता रहता है। तो जो भी साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं, सभी लोग लाइक कर दो एक बार, प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो, टेलीग्राम, वहाँ शेयर कर दो जिससे और लोग भी जुड़ जाएँ। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम खाली हम काम की दुनिया सॉरी एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, एडो स्कैन, मार्केट स्कैन, कैरियर मार्ग या फिर नौकरी की तलाश, तो वो हो जाएगा मार्केट स्कैन, ठीक है। एक प्रक्रिया जिसके दुनिया बदल रही वो मार्केटिंग, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाता है उसे खाली स्थान कहते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, कदम, मील का पत्थर या फिर इच्छा। तो 12 नंबर का हो जाएगा मील का पत्थर, यानी मील स्टोन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी, सी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। आरटीआई का मतलब क्या है? सड़क परिवहन संस्थान, बीमा का अधिकार, सूचना देने का अधिकार, सूचना का अधिकार। 13 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे, 13 नंबर डी ऑप्शन लगा रहे हैं, डी, 13 का डी, डी वाले सभी लोग सूचना का अधिकार, आरटीआई का जो है सूचना का अधिकार, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, सरकार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल खाली स्थान है, जन शिकायत पोर्टल, शिकायत पोर्टल रखें, शिकायत पोर्टल रखें, ओ सॉरी इंग्लिश देख लो, प्लेस ग्रेवेंस पोर्टल, पब्लिक इन्फॉर्मर इन्फॉर्मिंग पोर्टल या फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन जन सूचना पोर्टल, यही हो जाएगा क्या? 14 का जन शिकायत पोर्टल, ए ऑप्शन, 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? डिजिटल वॉलेट नहीं है, गूगल पे है तो हम कहेंगे बिल्कुल है सर, पेटीएम भी है, भीम यूपीआई, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, वित्तीय साक्षरता का मतलब यह है समझाना है कि पैसा किस प्रकार है, सहेजा गया है, सर्च किया गया, निवेश किया गया, उपयुक्त सभी, तो आप लोग इसका आंसर लगा देंगे डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी।
ठीक है, डी वाले जो भी हमारे साथी हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑनलाइन बैंकिंग को खाली स्थान भी कहा जाता है, होम बैंकिंग, कार्यालय, नेट बैंकिंग, स्व बैंकिंग। 17 का तो उसे बोलेंगे नेट बैंकिंग। ऑनलाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? नेट बैंकिंग। जो भी साथी हमारे फर्स्ट नहीं ए ऑप्शन लगा रहे हैं, वो सॉरी सी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन है, बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए इसमें कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई। करिए कमेंट करिए। तो जो भी हमारे बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, बी मतलब बी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो बी आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पृष्ठ को खाली स्थान कहा जाता है, सीट, पंक्ति, कॉलम से क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट लगा रहे हैं ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही। आप लोग ए आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। त्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की, उस सेल का नाम क्या है? E1, E5 या 5? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया है, प्रीवियस पेपर है। और एक मिनट, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन 2024 में आने के पूरे पूरे चांस भी लग रहे हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही, काफी लोगों ने भर भर के कमेंट इसका सी आंसर लगाया है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे ट्रेनी। खाली स्थान को इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, खोज इंजन, हार्डवेयर या माउस। इंटरनेट की जो लाइब्रेरी होती है उस किसको कहते हैं? तो सर्च इंजन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन जो भी हमारे साथी लगा रहे हैं बिल्कुल आप इसका आंसर सही दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है? इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, अमेज़न नहीं। अमेज़न क्या है? प्रोडक्ट वगैरह, इस पर आप सेलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले स्वयं से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में सोचें, क्या यह सच है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह मददगार है, क्या यह उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है, उपयुक्त सभी, बिना सोचे समझे आँख बंद करके आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। तो डी ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, डी। ठीक है साथियों, आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक उपकरण है जो खोज इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों का ब्लॉक कर देता है, टेलीग्राम, गूगल, सुरक्षित खोज या वेब पेज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षित पेज। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते लास्ट क्वेश्चन है इसका, आप लोग में कमेंट करके बता देना। अजीम को अपने शिक्षक से एक नया मेल प्राप्त हुआ, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ कर सकता है? इनबॉक्स, भेजा गया, ड्राफ्ट या फिर रचना। तो ऑप्शन जो भी है ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके इसका बता देना। अगर आप मैराथन क्लास चाहते हो इसका आंसर, और बोल देना कि साहब सर मुझे मैराथन क्लास चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बस दो ही बातें बोलना है, इसका आंसर और मैराथन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ये आप ही लोगों का चैनल है। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेट मिलता है। अभी एक दो दिन वीडियो नहीं बना रहा था वो इसीलिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो को कम कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जॉब में जाते हैं, ड्यूटी पे अप्रेंटिस चल रहा है, उसको भी करते हैं 8 घंटे, और फिर आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बस, और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
जो भी आपका राय हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर पढ़ने वाले हो गए तो इसका आंसर जरूर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।